तो सबसे पहली बात तो मैंने ये पिक्चर रिलीज के पहले देखी थी। शैलेश जी हैं, हंसल जी हैं, जो हमारे दोस्त हैं, और तभी मुझे बहुत अच्छी लगी थी पिक्चर। आई फेल्ट के मनोज एंड राजकुमार बोथ वेर फैंटास्टिक इन द फिल्म। जो चॉइस ऑफ सब्जेक्ट था हंसल जी का, उसके लिए भी बहुत यू नीड करेज टू मेक अ फिल्म ऑन सच अ सब्जेक्ट। एंड आई ऑलवेज न्यू के मनोज ने बहुत अच्छा काम किया था पिक्चर में, एंड फाइनली आई थिंक ही इज गेटिंग व्हाट ही डिजर्व्स एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। आपको सबसे ज्यादा किसका अच्छा परफॉर्मेंस लगा? देखो मतलब मनोज की पिक्चर है तो ऑब्वियसली के एंड ही इज मेड कंप्लीट जस्टिस टू इट, एंड ऑफकोर्स देयर राजकुमार हैज डन अ वेरी गुड जॉब। तो दोनों ने बहुत ही बेहतरीन काम किया, उसमें से मनोज वाज एब्सोल्युटली जस्ट अप देयर ग्रेट। सर इसके अलावा इन फिल्मों को बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, तो मतलब बॉलीवुड में उसको सराहा नहीं गया लेकिन बाहर बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया, तो क्या कहना चाहेंगे बॉलीवुड में इस तरह की छोटी फिल्मों को भी सराहना मिलनी चाहिए? नहीं नहीं, मुझे लगता है कि बॉलीवुड में एक तो छोटी मोटी फिल्में ऐसा नहीं सोचना चाहिए आदमी। इस तरह का डिफरेंट सब्जेक्ट लेके जो लोग आते हैं, जो लोग ऐसी पिक्चरें बनाते हैं, और अगर करेक्ट पिक्चर बनाते हैं, अच्छी पिक्चर बनाते हैं, तो ऑब्वियसली उन्हें सराहा जाता है और उसे सराहा गया है। बट एवरी फिल्म हैज़ इट्स ओन ऑडियंस। एक उसका कभी कभी लिमिटेड ऑडियंस होता है, कभी बड़ा ऑडियंस होता है, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द फिल्म। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी इस तरह की फिल्में बन रही हैं एंड इट इज़ रीचिंग द वाइडर ऑडियंस इन द वर्ल्ड। इसके अलावा आप एक मराठी फिल्म करने वाले हैं रितेश देशमुख के साथ, तो उसके बारे में बताएं क्या स्टेटस है? स्टेटस ऐसा है कि वेल स्क्रिप्टिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट होने आई है, तो होपफुली नेक्स्ट एक दो महीने में मैं कुछ बता सकूंगा उसके बाद। थैंक यू सो मच।